यजीद इसको नेक भी बहुत नजर आ रहा है, यजीद इसको बड़ा नेक नजर आ रहा है, जरा देख लीजिए, सुन लीजिए क्या कहता है। जहां तक हकीकत का ताल्लुक है, हकीकत का ताल्लुक अलविदाया वन निहाया के अंदर, हवाला सुने, अलविदाया वन निहाया किताब का नाम याद रखे, इनसे बड़े झूठे और मक्कार नहीं होते कोई। जहां तक हकीकत का ताल्लुक है, हकीकत का ताल्लुक अलविदाया वन निहाया के अंदर आकर के हम देख लें, अली रजी अल्लाह तआला के बेटे मोहम्मद इब्न हनफिया, इनके पास जब कुछ सबाइयों की तरफ से उड़ती उड़ती खबर आई कि यजीद के अंदर ये ओयूब हैं, यजीद के अंदर ये नकाइस हैं, अलविदाया वन निहाया खोल करके देखिए लिखा हुआ, मारा आई तुम इन हुमातल कुरून, ए जो तुम बयान करते हो ऐसा तो कुछ भी मैंने नहीं देखा उससे, मारा आई तुम इन हुमातल कुरून, जो तुम बयान कर रहे हो ऐसा कुछ तो उसकी तरफ तो मैंने नहीं देखा, वक़द हजर तू, मैं तो उसके पास रहा भी हूं, वह कम तो इन, उसके पास मैंने कयाम किया है बहुत दिनों तक रहा हूं, मैंने तो इसके बरक्स देखा है, क्या क्या देखा, रअईतुहु मुआदिबन अलसला मुतहर्रियन लिलखैर यसअलु अनिल फिक्ह मुलाज़िमन लिस्सुन्ना, अलविदा न्याय की बात, ए जो तुम बयान कर रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं देखा मैंने उसकी तरफ, मैं तो उसके पास हाजिर हुआ हूं, उनके पास कयाम किया है मैंने, मैंने तो उसको नमाज का पाबंद देखा और खैर का मुतलाशी देखा, खैर का तलाश करने वाला देखा, यस अनुवालिल फिक्ह मसाइले शरीयत में दिलचस्पी रखने वाला देखा, इसलिए कि दिलचस्पी कौन लेता जो सवाल करता है, यस अलो का तर्जुमा मैंने दिलचस्पी से किया, इसका मतलब होता है महक्क जो होता है वही होता है जिसके अंदर दिलचस्पी पैदा हो, मुकल्लिद के अंदर दिलचस्पी नहीं होती, आन दे माल ले, आन दे माल ले, यस अलवानिल फिक्ह ही मसाइले शरीयत के बारे में दिलचस्पी रखने वाला, दिलचस्पी रखेगा तो सवाल करेगा, दिलचस्पी होगी तो सवाल करेगा, सवाल के लिए शरीयत के बारे में, और मुलाजमन लिस्सुन्ना सुन्नतों को तलाश करके उसके ऊपर लुजूम बरतने वाला, सुन्नत मिल गई उसको पकड़ लिया मजबूती से पकड़ने वाला, मोहम्मद इब्न हनफिया जो हजरत अली रजी अल्लाह तआला के बेटे हैं उनकी ये शहादत, उनकी ये सफाई, बच गए यजीद मुबारक हो, इनके तरफ से बोल रहा हूं ना, मोहम्मद इब्न हनफिया जो हजरत अली के साहबजादे, जो फातिमा हजरत फातिमा के अलावा दूसरी जौजा से पैदा हुए, उनकी रिवायत बयान की, अलविदाया वन निहाया में इब्न कसीर ने लिखा कि कुछ लोग यजीद से मिलकर मोहम्मद इब्ने हनफिया के पास आए, रिवायत पर गौर करें, कुछ लोग यजीद के दरबार से यजीद से मिलकर मोहम्मद इब्ने हनफिया के पास आए और कहा कि वो तो शराब पीता है, नमाज नहीं पढ़ता, ये ऐब है, वो ऐब है, ये ऐब है, तो मोहम्मद इब्ने हनफिया ने कहा कि जो तुम बयान कर रहे हो वो चीज़ तो मैंने उसमें नहीं देखी, मैं वहाँ ठहरा हूँ, मैं रहा हूँ वहाँ पर, मैं दमिश्क गया हूँ, वहाँ रहा, मैंने देखा कि वो बड़ा नमाजी है, मसाइल फिका का जानने वाला, मसाइल में सवाल करता है, फिर उस पर ये जोश में आया, कहा कि जो पूछता है वो मुहक्किक होता है और जो मुकल्लिद होता है पूछता नहीं, आन दे मान ले, रद वो या भी जैसा भी है, झूठा सच्चा सब ले लो, आन दे मुकल्लिद ये होता है, तो मोहम्मद इब्ने हनफिया ने कहा मैंने तो देखा नहीं बल्कि उसको सुन्नत का पाबंद देखा, नमाजी देखा, परहेजगार, मसाइल फिका का जानने वाला, ये हाल है कि जब उसको कोई सुन्नत मिल जाती है तो यजीद उस सुन्नत पर मजबूती से कायम हो जाता है। किसकी रिवायत है ये? अलविदाया वन निहाया की। अब अलविदाया से मैं कुछ चीजें पेश करूंगा सफे नंबर हवालों के साथ। इसको बोलते हैं अंधा गैर मुकल्लिद, रिवायत पढ़ रहा है समझ नहीं रहा है, रिवायत यानी कुछ लोग आए, ये अभी हाल की खबर है, और मोहम्मद इब्न हनफिया कहते हैं मैं यजीद के पास रहा, यह मुस्तकबिल माजी की खबर है, समझ में आ रही है ना बात? तो वो कब रहे थे मोहम्मद इब्ने हनफिया? क्या यजीद के खलीफा बनने के बाद? अरे यजीद जैसे ही खलीफा बना उसने पहला पैगाम यही किया कि फुला से खिलाफत की बैत लो, फुला से बैत लो, बैत और ये सब चालू हो गए मसले, मोहम्मद इब्ने हनफिया भी मदीना छोड़कर मक्का आ गए, उन्होंने भी बैत नहीं की थी यजीद के हाथ पे, तो ये किस दौर की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं अमीर माविया के जमाने की, वो यजीद से मिलने नहीं गए थे, अमीर माविया से मिलने गए थे,
और वहां यजीद दिखावा करता था अमीर माविया के बारे में। इस पे तो मौर्रखीन का इत्तेफाक है कि अमीर माविया के सामने जब भी यजीद आता बड़ा साईसुद बनकर आता, नमाज पढ़ने का दिखावा करता है, तकवे का दिखावा करता, और जब खिलवतों में तन्हाइयों में होता था शराब पीता था। ये उस वक्त मोहम्मद इब्ने हनफिया ने देखा। और ये जो वफ्द था इब्ने कसीर ने खुद तफसील दे लिखा, वो आधी बात खा गया। क्यों? इसकी वजह यह है कि इसके अब्बा यजीद खतरे में आ रहे हैं उससे। आधी बात यह है कि ये कब गए हैं, उसकी जब बैत का मुतालबा आया तो ये तहकीक के लिए दमिश गए कि यजीद नेक है या नहीं, इसके बारे में बहुत सारी खबरें आती है, इस पर हमने बैत करना कि नहीं करना, माविया के हाथ पे तो हमने कर ली थी अमीर माविया के, इसका क्या। जब वो वफ्द आया तो उन्होंने अपनी आंखों देखा हाल बयान किया, कहा कि हम तो देख कर आए, वो कमबख्त शराब पीता है, नमाज नहीं पढ़ता, बंदरों से खेलता है। तो मोहम्मद इब्ने हनफिया क्या, मैंने तो ऐसा नहीं पाया, मतलब मैंने पहले देखा तो बड़ा अच्छा था, आप कमीना हो गया है ना। ये पहले की बात बता रहे, ये अभी की बात बता रहे। और उसी अलविदाया व निहाया में इब्ने कसीर ने लिखा है, खुद ही इब्ने कसीर ने आगे लिखा कि यजीद आगे जब बिगड़ा तो ऐसा बिगड़ा कि बंदरों से खेलता था। उसकी मौत का वजहों में से एक वजह यह बताई कि उसका एक बंदर था, उसका नाम उसने रखा था अबू खालिद। वो बंदर को बच्चे के जैसा चाहता था, और जब वो बंदर मर गया तो ये उसके गम में यही मर गया। बंदरों से वो खेलता था, नमाजें वो छोड़ता था, सुन्नत का वो पाबंद नहीं था। ये खुद अलविदाया में इब्ने कसीर ने लिखा, वो रिवायत छोड़ दिया, वो रिवायत जो मनसूख रिवायत है, वो रिवायत जिससे मकसद हल नहीं होता उससे मकसद हल कर रहा है। चलिए, यजीद की एक तारीफ इसने बयान की कि साहब इतना अच्छा था वो यजीद कि उसका हाल ये था कि सुन्नतों का पाबंद था। ये जरा हदीस क्या कहती है, यह अल मुसन्नफ इमाम इब्ने अबी शैबा की। कौन है इमाम इब्ने अबी शैबा? इमाम बुखारी के उस्ताद है, इमाम मुस्लिम के उस्ताद है। अब इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के उस्ताद मुस्तनब इब्ने अबी शैबा, जो उनकी हदीस की मोतबर किताब जिल्द 19 सफा 554 और इसकी हदीस नंबर 37027, हजरत इमाम इब्ने अबी शैबा कहते हैं हद्दसना हौजा तबने खलीफा, हमसे हदीस बयान की हौजा इब्ने खलीफा ने, अन औफिन औफ से रिवायत करते, अन अबी खलदता वह हजरत खलदा से रिवायत करते, अन अबिल आलिया वह हजरत आलिया से रिवायत करते, अन अबी जर्रिन और वह अबू जर से रिवायत करते हैं। यही अबू जर गिफारी रदी अल्लाह अन्हु, जिनकी एक रिवायत अभी पहले गुजरी, वही जन्नती साहबी जो अशरह मुबशरा के हैं। अब जन्नती साहबी क्या कह रहा, जरा सुनो। जन्नती साहबी की माने कि जलालुद्दीन कासमी जहन्नमी की माने हम। हज़रत अबूज़र कहते हैं काला समीत व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना, आका ने इरशाद फरमाया अव्वलो मैं युबद्दिलो सुन्नती रजुलुन मिन बनू उमैया। आका ने कहा मेरी उम्मत में सबसे पहले जो मेरी सुन्नत को बदलेगा, मेरी सुन्नत में रखना अंदाजी करेगा, वह बनू उमैया का एक शख्स होगा। कौन है वो एक शख्स? यजीद। और इमाम इब्ने अबी शैबा आगे क्या कहते हैं, वह हाजा इसनाद हसन, इसकी सनद हसन है, यह हदीस ज़ईफ नहीं है, झूठी नहीं है। लेकिन अब यहाँ भी कुछ लोग शिकायत करेंगे, लेकिन पहले मैं हवाले बता दूं। इसी हदीस को इमाम बहकी ने दलाइल नुब्बा जिल 6 सफ़ा 410 पे लिखा, हदीस नंबर 2838, इब्ने अदीन अल कामिल में जिल 3 हदीस 21024, इब्ने हजर असकलानी ने, इमाम इब्ने हजर असकलानी ने मतालिबुल आलिया हदीस नंबर उनकी 4462 अलबिदाया व निहाया में इब्ने कसीर ने भी यह हदीस लिखा। वही इब्ने कसीर ने जो मोहम्मद इब्ने हनफिया की रिवायत बयान कर रहे हैं, ये रिवायत भी लिख रहे हैं जिल 8 सफा 231 पर। मगर अभी ये गैर मुकलिद बोलेंगे, भाई बनु मैया का एक शख्स का रसूल ने जो मेरी सुन्नत बदलेगा, यजीद को तो नहीं कहा ना, यजीद का तो नाम नहीं आया। चलिए अब यजीद का नाम भी देख लेते हैं। यह है मुस्नद अबू याला, ये तारीख की किताब नहीं मैं पेश कर रहा हूं, ये हदीस की किताब पेश कर रहा हूं। मुस्नद अबू याला की जिल नंबर 2 सफा 176 हदीस नंबर 871, इमाम अबू याला कहते हद्दसनल हकम इब्ने मूसा, हदीस बयान की हकम इब्ने मूसा ने, हद्दसनल वलीद इब्ने मुस्लिम, वलीद इब्ने मुस्लिम ने से उन्होंने हदीस सुनी, अनिल औज़ई अन महकुलिन अन अबी उबैदा रदी अल्लाह तआला अन्हम, और उनसे हजरत औज़ई ने, उनसे महकूल ने, और उन्होंने रिवायत के हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्रा से, ये भी अशरह मुबशरा जन्नती साहबी। खास बात यह है कि जितनी इसमें हदीसें आ रही है सब जन्नती साहबियों से आ रही है। ये अबूदा इब्ने जर्रा भी अशरह मुबशरा में वो रिवायत करते हुए कहते हैं काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका ने इरशाद फरमाया ला यज़लु अमरा उम्मती कायमन बिल किस्त
हत्ता यकूना वलो मन युस्लिमोहु रजुलुन मिन बनु उमय्यता युकाल लहु यजीद। आका ने कहा लोगों मेरी उम्मत अदल पर इंसाफ पर कायम रहेंगी, हर दौर में हर वक्त इंसाफ के साथ कायम रहेंगी, अदल के साथ कायम रहेंगी। हत्ता यहां तक के यकूना वलो इसमें सबसे पहले जो मन युस्लिमोहु रजुलु जो इसमें रखना अंदाजी करेगा, फितना पैदा करेगा, सुन्नतों को बदलेगा, वो बनु मैया का एक शख्स होगा। मिन बनु मैया, वो बनु मैया का शख्स होगा। यू कालो लहू लहू यजीद, उसका नाम यजीद होगा, उसको यजीद कहा जाएगा। अब नाम आ गया क्या? भी नहीं आया। और कौन रिवायत कर रहा है? अबू दाऊद इब्ने जर्राह का कह रहे मेरी सुन्नत को बदलेगा। और ये पट्टा क्या बोलता है? सुन्नतों को हजरत यजीद देख लेते हैं तो मजबूती से थाम लेते हैं। कंफ्यूजन में तो तू है। तो वो रिवायत ली जो गैर मोतबर, और ताने हमें दिया कि आन दे जान दे। हमने कहा मुकल्लिद वो होता है जो इमामों की इल्म की रोशनी में तहकीक करता है, तुम वो होते आन दे ले लो, आन दे ले लो, आन दे, ये तो तेरा काम है हमारा नहीं। जिससे अब्बा यजीद बच जाए ले लो, इससे भी बचे ले लो, इससे ले लो बचो, कैसा भी है ले लो, बस ले लो। अब अबू याला क्या कहते हैं? रिजाल हुस्तकात, इसके सारे रावी सच्चे है, ये रिवायत भी सच्ची है। और इसको इमाम अबू याला के अलावा किन किन लोगों ने लिखा? इमाम दैलमी ने भी लिखा इस हदीस को, मुसनदुल फिरदौस जिल नंबर 552 पर। इमाम अब्दुल अल बज्जार ने अल मुसनद में जिल्द 1 सफा 1619 पर। अस्सवाइकुल मुहर्रिका में इब्न हजर हेतमी ने सफा 271 पर। मजमाउस सवाइद में इमाम हैसमी ने जिल 5 सफा 241 पर। इब्न हजर अस्कलानी ने लिसानुल मीजान जिल्द 8 सफा 507 हदीस नंबर 8594 पर। अब मजेदार चीज सुनिए, यू काल लहू यजीद, जो सुन्नत बदलेगा उसको क्या कहा जाएगा? यजीद। अब यही रिवायत कौन कर रहे हैं? अल बिदाया वन्ने आया, इब्ने कसीर भी लिख रहे हैं। ये छोड़ दिया क्योंकि अब्बा नहीं बच रहे इस रिवायत में अपने, छोड़ दो भले उसके रिजाल कितने ही सच्चे क्यों ना हो। अल बिदाया वन्ने आया जिल्द 8 सफा 231 पर। तो ये यजीद को बचाने के लिए, यजीद नेक भी था, बड़ा पारसा था, बड़ा अच्छा था, बहुत ही वो था, और उसकी नेकी का हाल सुनना है?